आज वी मार्ट गए थे, वहाँ से क्या क्या शॉपिंग किया है वो दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी आई है, उनको शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनके साथ मैं भी गई थी। जैसे कि विंटर आने वाला है, तो ये विंटर के लिए देखिए मेरी दीदी ने ये परचेस किया है साड़ी के लिए, तो उनकी तरफ से साड़ी के लिए गिफ्ट है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा कलर भी है, लाइट बेबी पिंक कलर, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने किया है, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा है, दिखता है और विलेन है, तो ठंडी के टाइम में पहनने के लिए सही रहेगा। और चार पजामे दिए हैं, इसको ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और सही भी है, विलेन है ये, एक ये दिया है, के लिए दीदी अपने बेटे के लिए लिया है, ये भी बहुत अच्छा है कपड़ा, और डी मार्ट में अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलते हैं और रेट भी बहुत अच्छा रहता है, कि कोई भी परचेस कर सकता है, इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, इसका प्राइस ओनली 750। और ये ट्राउज़र बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं पहना था उसे, तो सही है, विंटर आ रहा है, विंटर के लिए हम लोगों ने शॉपिंग भी किया। और एक ये वुडन हैंड किया है दीदी ने, हस्बैंड के लिए शर्ट लिया है, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, तो उनके लिए ये लिया है मैंने। मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी शॉपिंग करती हूँ, तो बिना अपने हस्बैंड के लिए कुछ लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए कुछ ना कुछ मैं ज़रूर लेकर आती हूँ और उनको सरप्राइज़ देती हूँ। और हम लोगों को फ्री गिफ्ट भी मिला, और वो गिफ्ट मुझे तो गोल्ड बहुत वैसे भी पसंद है, और ये गिफ्ट मिला है गोल्ड कॉइन, वो मिला है मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये है 100 मिलीग्राम का, 22 कैरेट कल्याण ज्वेलर्स से मिला है, तो हम लोग दोनों लोगों को मिला, दीदी को भी मिला और मुझे भी मिला है, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और दीदी भी बहुत खुश थी, क्योंकि गोल्ड का नाम ही सुनने में हर लेडीज़ को अच्छा लगता है कि गोल्ड मिला है, वो भी फ्री में फैमिली के लिए लेकर आई हैं। और एक स्लीपर भी लाई हैं, वो जब भी आती हैं मेरे लिए दीदी, अरे ऐसे हम लोगों के लिए हमेशा गिफ्ट लेकर आती हैं, और बहुत अच्छा लगता है, छोटे होने का यही फ़ायदा होता है, और मुझे तो बहुत सारे गिफ्ट मिल जाते हैं, मेरे भैया भी देते हैं, भाभी भी देती हैं, और मेरी दीदी और मेरी मम्मी, तो वो सोचती हैं कि क्या दे दे अपनी बेटी को, कि मतलब उनको हर चीज़ कमी रहती है कि क्या क्या दे दे, तो वो हमेशा बोलती रहती है क्या चाहिए बेटा बता दो। पापा मम्मी मेरे दोनों लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा गिफ्ट देते रहते हैं जब भी मैं आती हूँ या दीदी भी आती हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने मायके जाते होंगे तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता होगा, और पहली बात तो बहुत आराम मिलता है, कोई काम करने को नहीं रहता है, मम्मी कोई काम नहीं करने देती हैं, भाभी भी कोई काम नहीं करने देती हैं, तो मैं जब से आई हूँ तब से रेस्ट ही कर रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ हैं जब अपने मायके जाती हैं वो आराम ही करती हैं, सबको आराम मिलता है, और मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, वो कोई भी काम नहीं करने देती, बस शेयर करिएगा कि आपको मायके जाने में कितनी खुशी मिलती है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपका रहता है मायके जाने का अनुभव। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।